नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की जानिब से मैट्रिक केमिस्ट्री के सिलसिले के सातवें प्रोग्राम के साथ हाजिर हैं। आज के इस प्रोग्राम में कार्बन और उसके अहम गैर नामियाती और नामियाती मुरक्कबात के बारे में बताया जाएगा। कार्बन की तारीख बहुत पुरानी है। कदीम ज़माने में भी लोग इसे हीरे और कोयले की शक्ल में इस्तेमाल करते थे। 1775 में लेवाइज़े ने साबित किया कि हीरा कार्बन की बहरूपी अशकाल में से एक शक्ल है और इसे ऑक्सीजन में जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। लफ्ज़ कार्बन भी लेवाइज़े ही ने वज़ा किया। कार्बन की अलामत कैपिटल सी है। इसका एटमी नंबर 6, एटमी वज़न 12.011 AMU और कुमियती नंबर 12 है। कार्बन एटम के न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन्स और 6 न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं, जबकि 6 इलेक्ट्रॉन्स में से 2 इलेक्ट्रॉन्स के शेल में और 4 इलेक्ट्रॉन्स एल शेल में गर्दिश करते रहते हैं। मुख्तलिफ सब शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स की तरतीब 1s2, 2s2, 2p2 है। कार्बन आज़ाद और मुरक्कब दोनों हालतों में मिलता है। आज़ाद कार्बन गैर कलमी और कलमी दोनों सूरतों में पाया जाता है। कार्बन की अहम गैर कलमी शक्लें काजल, लकड़ी का कोयला, हैवानी कोयला, पत्थर का कोयला और गैस कार्बन हैं, जबकि अहम कलमी शक्लें हीरा या डायमंड और ग्रेफाइट हैं। कार्बन मुरक्कबात की शक्ल में ऑक्साइड्स मसलन कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड गैसें, कार्बोनेट्स यानी कैल्शियम कार्बोनेट या चूने का पत्थर, संगे मरमर वगैरह, डोलोमाइट यानी कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट्स यानी सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम बाइकार्बोनेट की शक्ल में मिलता है। ये तमाम मुरक्कबात कार्बन के गैर नामियाती मुरक्कबात कहलाते हैं। कार्बन के बारे में जानने के बाद आइए अब हम अहम गैर नामियाती मुरक्कबात यानी कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड गैसों के बारे में बताते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारी ज़िंदगी में बहुत अहम किरदार अदा करती है। ये गैस ऑक्सीजन में चीज़ों के जलने या जानदारों के सांस लेने के अमल से पैदा होती है। इसके अलावा तजर्बागाह में कैल्शियम कार्बोनेट और हल्के हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कीमियाई तामुल से भी बनती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस कुर्रे हवाई में 0.03% पाई जाती है। ये एक बेरंग, बेबू, बेजायका और बेज़रर गैस है। पानी में किसी हद तक हल हो जाती है, इसीलिए इसे मुख्तलिफ मशरूबात यानी सोडा वाटर में इस्तेमाल किया जाता है। जलती हुई चीज़ों को बुझा देती है, इसलिए आग बुझाने वाले आलात में इस्तेमाल की जाती है। बेकिंग सोडा को पानी में मिलाने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, जो केक, पेस्ट्री वगैरह में नरमी पैदा करती है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस या खुश्क बर्फ़ कहते हैं। इसे फ्रीज़र, कोल्ड स्टोरेज वगैरह में ठंडक पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कार्बन का दूसरा अहम गैर नामियाती मुरक्कब कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है। ये गैस कम ऑक्सीजन की मौजूदगी में जानदारों के सांस लेने और चीज़ों के जलने के अमल से पैदा होती है। इसके अलावा नामियाती मुरक्कबात मसलन फॉर्मिक एसिड और ऑक्सैलिक एसिड को गैर नामियाती मुरक्कब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिलाने से भी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है। ये एक बेरंग, बेबू, बेजायका और इंतहाई जहरीली गैस है। फेफड़ों में दाखिल होकर खून के सुर्ख ज़र्रात में मौजूद हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर कार्बोऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, जो जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को ऑक्सीजन मुहैया नहीं कर सकता। इसलिए कम कार्बन मोनोऑक्साइड की मौजूदगी में सरदर्द, चक्कर, मतली और घुटन की शिकायत होती हैं, जबकि ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड की मौजूदगी में बेहोशी और बाज़ औक़ात मौत भी वाक़ई हो जाती है। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, कार्बन के अहम गैर नामियाती मुरक्कबात के बारे में जानने के बाद आइए अब हम कार्बन ही के हवाले से नामियाती कीमिया और नामियाती मुरक्कबात का जायज़ा लेते हैं। इल्मे कीमिया की वो शाख जिसका ताल्लुक नामियाती मुरक्कबात से है, नामियाती कीमिया कहलाती है। कार्बन के ऐसे मुरक्कबात जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाए, नामियाती मुरक्कबात कहलाते हैं।
कार्बन और हाइड्रोजन इन मुरक्कबात के लाजमी अनासर हैं। इसके अलावा अक्सर मुरक्कबात में ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और हैलोजन्स भी पाए जाते हैं। शुरू में ये तासुर आम था कि नामियाती मुरक्कबात तजर्बागाह में नहीं बनाए जा सकते और सिर्फ जानदार अशिया के अजसाम से हासिल होती हैं। मिसाल के तौर पर पौधों से निशास्तादार अशिया और जानवरों से यूरिया। 19वीं सदी के शुरू तक ये तासुर आम था कि नामियाती मुरक्कबात को बनाने में एक गैर मामूली क़ुव्वत हयात या वाइटल फोर्स कार फरमा है, लेकिन 1828 में जर्मन साइंसदान फ्रेडरिक वॉलर ने एक गैर नामियाती मुरक्कब अमोनियम साइनेट से नामियाती मुरक्कब यूरिया हासिल किया। यूरिया जानदारों के यूरिन में पाया जाता है। वॉलर के तजर्बे ने दुनिया कीमिया में इनकलाब बरपा कर दिया और नामियाती मुरक्कबात बनाने पर बहुत तेज़ी से काम होने लगा। एक अंदाजे के मुताबिक नामियाती मुरक्कबात की तादाद दूसरे अनासर के मुरक्कबात से 10 गुना ज़्यादा है। सिर्फ यही नहीं, बल्कि नामियाती मुरक्कबात जो तालीफी तौर पर बनाए जाते हैं कुदरती नामियाती मुरक्कबात से बदरजहाँ बेहतर हैं। चंद अहम नामियाती मुरक्कबात आर्टिफिशियल सिल्क, टेट्रॉन, नायलॉन, प्लास्टिक, तालीफी रबर, तालीफी चमड़ा, अद्वियात, आयराश हुस्न की अशिया, खुशबुयात, मनशियात, रंग रोगन और धमाका खेज मवाद हैं। गर्ज के ये कहना गलत ना होगा कि नामियाती कीमिया इंसानी ज़िंदगी पर पूरी तरह हावी हो चुकी है। नाजरीन, ये था कार्बन के अहम गैर नामियाती मुरक्कबात का मुख्तसर जायज़ा। अब हम कुदरती तौर पर पाए जाने वाले नामियाती मुरक्कबात यानी पेट्रोलियम और कुदरती गैस के बारे में बताते हैं। पेट्रोलियम को रॉक ऑयल या मदनी तेल भी कहते हैं। ये स्याह रंग का गाढ़ा माया है। इसमें 200 के करीब मुख्तलिफ मुरक्कबात ठोस, माया और गैसी हालत में पाए जाते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन इन मुरक्कबात के लाजमी अनासर हैं, लिहाजा इन्हें हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। दुनिया में तवानाई का बेशतर हिस्सा पेट्रोलियम और कुदरती गैस से हासिल किया जाता है। दुनिया में पेट्रोलियम के बड़े ज़खायर सऊदी अरब, ईरान, इराक, कुवैत और लीबिया में पाए जाते हैं। इसके अलावा रूस, कनाडा, अमेरिका और मलाइशिया में भी वाफर मकदार में पेट्रोलियम मिलता है। पाकिस्तान में मुख्तलिफ मकामात से तकरीबन 1,51,65,157 बैरल सालाना खाम तेल निकाला जाता है। मज़ीद ज़खायर की तलाश भी जारी है। पेट्रोलियम की दरियाफ्त के बाद अगला मरहला पेट्रोलियम को निकालना और उसकी तख़लीस या रिफाइनिंग है। पेट्रोलियम को ज़मीन की निचली सतह से सतह ज़मीन तक लाने के लिए ज़मीन में ख़ास तरीके से सुराख करते हैं, जिसे ड्रिलिंग कहते हैं। बाद अज़ां खाम तेल में मौजूद मुख्तलिफ मुरक्कबात को उनके नुकाते जोश के फ़र्क के बुनियाद पर कसरी कशीद के ज़रिए अलहदा कर लिया जाता है। इस अमल को तख़लीस या रिफ़ाइनिंग कहते हैं। रिफ़ाइनिंग के नतीजे में हासिल होने वाली चंद अहम कसरों की तफसील कुछ यूँ है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिफ़ाइनरी गैस हासिल होती है, जो ईंधन के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। 30 से 160 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान गैसोलीन या पेट्रोल हासिल होता है, जो मोटर गाड़ियों के ईंधन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। 220 से 350 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान डीजल ऑयल हासिल होता है, जिसे ट्रक, ट्रेन, भारी गाड़ियों वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है। 350 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर एस्फॉल्ट या रेजिड्यू हासिल होता है, जिसे पावर स्टेशन, बहरी जहाज़ों वगैरह में ईंधन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। रेजिड्यू या एस्फॉल्ट की मज़ीद सफाई से लुब्रिकेटिंग ऑयल, वैक्स या मोम और
बिट्यूमिन या तारकोल हासिल किया जाता है। 100 लीटर पेट्रोलियम से हासिल होने वाली मुख्तलिफ कचरों की मकदार कुछ यूँ है। 43.4 लीटर गैसोलीन या पेट्रोल, 37.6 लीटर फ्यूल ऑयल, 4.2 लीटर मिट्टी का तेल, 2.0 लीटर लुब्रिकेटिंग ऑयल और 11.0 लीटर एसफॉल्ट या रेजिड्यू। तवानाई का दूसरा माखज़ कुदरती गैस है। कुदरती गैस चट्टानों में मौजूद नामियाती अज्जा में कीमियाई तब्दीलियों के बाइस बनती है। दरअसल गैस और तेल एक ही चीज़ की दो किस्में हैं। फ़र्क सिर्फ ये है कि गैस हल्के हाइड्रोकार्बन से और तेल भारी हाइड्रोकार्बन से बनता है। जिस जगह मदनी तेल पाया जाए वहाँ गैस ज़रूर मौजूद होती है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि जहाँ गैस पाई जाए वहाँ तेल भी ज़रूर मौजूद हो। पाकिस्तान में कुदरती गैस या सुई गैस के बड़े ज़खायर सुई, माड़ी, पीरको और तूत में पाए जाते हैं। कुदरती गैस का 33% हिस्सा बिजली पैदा करने में, 25% हिस्सा आम सनअतों में, 22% हिस्सा मसनूई खादें बनाने में, 15% हिस्सा सीमेंट बनाने में और 5% हिस्सा घरेलू इस्तेमाल में खर्च होता है। नाज़रीन, हमने आपको बताया कि कार्बन के मुरक्कबात की तादाद दीगर अनासर के मुरक्कबात से 10 गुना ज़्यादा है। आप यकीनन सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों है। इसका जवाब इस तरह है कि कार्बन का एक एटम दीगर कार्बन एटमों या दूसरे अनासर के एटमों के साथ मिलकर कोवेलेंट बॉन्ड के ज़रिए जुड़ने की सलाहियत रखता है। इसीलिए कार्बन के मरकबात की तादाद लाखों तक है। कोवेलेंट बॉन्ड की बुनियाद पर कार्बन के मरकबात यानी हाइड्रोकार्बन्स को दो बड़े ग्रुपों में तकसीम किया जाता है। नंबर एक, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स या सैरशुदा हाइड्रोकार्बन्स। नंबर दो, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स या गैर सैरशुदा हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड या सैरशुदा हाइड्रोकार्बन्स उन नामियाती मरकबात को कहते हैं जिनमें कार्बन एटमों के दरमियान सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाए, मसलन मीथेन CH4 और ईथेन C2H6। गैर सैरशुदा हाइड्रोकार्बन या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स मज़ीद दो अकसाम में बटे हुए हैं। नंबर एक, एल्कीन्स। नंबर दो, एल्काइन्स। एल्कीन हाइड्रोकार्बन्स में कार्बन एटमों के दरमियान डबल कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है, मसलन ईथीन C2H4, प्रोपीन C3H6। जबकि एल्काइन हाइड्रोकार्बन्स में कार्बन एटमों के दरमियान ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है, मसलन एसिटाइलीन या इथाइन C2H2 और प्रोपाइन C2H4 वगैरह। नामियाती मुरक्कबात की ग्रुपबंदी के बाद आइए हम ये देखते हैं कि कार्बन से लाखों की तादाद में मुरक्कबात कैसे बन जाते हैं। इसके लिए हम सादा तरीन हाइड्रोकार्बन यानी मीथेन की मिसाल लेते हैं। ये तो आप जानते हैं कि कार्बन एटम के वेलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं जिनकी ख्वाहिश ये होती है कि वो 8 हो जाएं, जबकि हाइड्रोजन एटम के वेलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है जो ये चाहता है कि वो 2 हो जाएं। इस ज़रूरत के तहत कार्बन का एक एटम, इस मॉडल में देखिए, कार्बन का एक एटम हाइड्रोजन के 4 एटमों के साथ 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स के ज़रिए मीथेन का मॉलिक्यूल बनाता है जिसका मॉलिक्यूली फार्मूला CH4 है। मीथेन की साख समझने के बाद आइए देखते हैं कि दूसरे बेशुमार हाइड्रोकार्बन्स कैसे बन जाते हैं। इसके लिए हमें एक उसूल जहन नशीन करना होगा। अगर
मीथेन के मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन का एक एटम अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ हटा दिया जाए तो बाकी मांदा मॉलिक्यूल CH3 होगा। CH3 को मिथाइल रेडिकल कहते हैं। यहाँ ये बता देना ज़रूरी है कि ऐसा एटम या एटमों का मजमुआ जिस पर एक आज़ाद इलेक्ट्रॉन पाया जाए रेडिकल कहलाता है। मिसाल के तौर पर मिथाइल रेडिकल एक आज़ाद इलेक्ट्रॉन के साथ एक कार्बन और 3 हाइड्रोजन एटमों का मजमुआ है, जबकि हाइड्रोजन रेडिकल एक आज़ाद इलेक्ट्रॉन के साथ एक एटम है। इसी तरह किसी भी एल्केन हाइड्रोकार्बन से एक हाइड्रोजन एटम आज़ाद इलेक्ट्रॉन के साथ निकालने से बाकी बच जाने वाले मॉलिक्यूल को एल्काइल रेडिकल कहते हैं और इसे कैपिटल R से जाहिर किया जाता है। किसी भी एल्काइल रेडिकल को इस्तेमाल करके हम बड़े से बड़ा एल्केन मॉलिक्यूल बना सकते हैं। मिसाल के तौर पे मीथेन मॉलिक्यूल से एक हाइड्रोजन रेडिकल निकालने से मिथाइल रेडिकल बनता है और इस हाइड्रोजन रेडिकल को मिथाइल रेडिकल से तब्दील करने से मीथेन का मॉलिक्यूल C2H6 हासिल होता है। इसी तरह ईथेन मॉलिक्यूल से एक हाइड्रोजन एटम को एक मिथाइल रेडिकल से तब्दील करने से प्रोपेन का मॉलिक्यूल C3H8 हासिल होता है। मीथेन, ईथेन और प्रोपेन स्ट्रेट चेन या सीधी जंजीर वाले हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। इसी उसूल के तहत शाखदार या ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स भी बनाए जा सकते हैं। मिसाल के तौर पे प्रोपेन का मॉलिक्यूल 3 कार्बन एटम्स पर मुश्तमिल है। अगर सिरे वाले किसी एक कार्बन एटम से एक हाइड्रोजन एटम को मिथाइल ग्रुप से तब्दील किया जाए तो सीधी जंजीर वाला नॉर्मल ब्यूटेन हासिल होता है, जबकि कार्बन नंबर 2 से एक हाइड्रोजन एटम को मिथाइल रेडिकल से तब्दील करने से शाखदार आइसोब्यूटेन का मॉलिक्यूल हासिल होता है। नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का मॉलिक्यूली फार्मूला एक है, यानी C4H10। लेकिन इनकी शक्लें एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। ऐसे नामियाती मुरक्कबात जिनका मॉलिक्यूली फार्मूला एक हो लेकिन साख्त जुदा जुदा आइसोमर्स कहलाते हैं। मिसाल के तौर पे नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन ब्यूटेन के 2 आइसोमर्स हैं। इसके अलावा अगर किसी सीधी जंजीर वाले हाइड्रोकार्बन के सिरे वाले कार्बन एटमों से एक एक हाइड्रोजन एटम हटा दिया जाए तो सिरे के दोनों कार्बन एटम मिलकर एक हल्का बना लेते हैं। ऐसे हाइड्रोकार्बन्स को साइक्लो एल्केन्स कहते हैं। मिसाल के तौर पे प्रोपेन का मॉलिक्यूल 3 कार्बन एटम्स पर मुश्तमिल होता है। अगर कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 3 से एक एक हाइड्रोजन एटम आज़ाद इलेक्ट्रॉन के साथ हटा लिया जाए तो कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 3 आपस में जुड़कर एक 3 रुकनी हलका बना लेते हैं, जिसे साइक्लोप्रोपेन कहते हैं। इसी तरह दीगर सीधी जंजीर वाली हाइड्रोकार्बन से लातादाद हल्केदार हाइड्रोकार्बन्स बनाए जा सकते हैं। इस उसूल को समझने के बाद आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि किस तरह लातादाद सीधी जंजीर वाले, शाखी जंजीर वाले और हल्केदार हाइड्रोकार्बन्स हासिल किए जा सकते हैं। नाज़रीन, सैरशुदा हाइड्रोकार्बन्स के बारे में ये दिलचस्प बात है कि ये आम हालात में कतई तौर पर गैर आमिल हैं। ताहम मखसूस हालात में मुख्तलिफ मुरक्कबात के साथ कीमियाई अमल करते हैं। उसके बरक्स गैर सैरशुदा हाइड्रोकार्बन्स यानी एल्कीन्स और एल्काइन्स आम हालात में
مختلف عناصر اور مرکبات کے ساتھ کیمیائی عمل کرتی ہیں اور اکثر اوقات سیر شدہ ہائیڈرو کاربنز یعنی الکینز میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ بناسپتی گھی، تالیفی مکھن یا مارجرین اور صابن ایسے نامیاتی مرکبات ہیں جنہیں غیر سیر شدہ نامیاتی مرکبات یعنی تیل اور چربی سے حاصل کیا جاتا ہے۔ تیل اور چربی کا تعلق نامیاتی مرکبات کے گروہ لپٹ سے ہے۔ تیل عام حالات میں مایع ہیں اور اسی طرح کھانا پکانے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، جبکہ بناسپتی گھی بنانے کے لیے عام طور سے بنولی کا تیل یا کاٹن سیڈ آئل اور سویا بین آئل استعمال کیا جاتا ہے۔ اس عمل کے دوران تیل کو نکل عمل انگیز کی موجودگی میں ہائیڈروجن گیس کے ساتھ ملایا جاتا ہے، نتیجتاً نسبتاً نیم ٹھوس مرکب حاصل ہوتا ہے جسے گھی یا مارجرین کہتے ہیں۔ تیل اور گھی میں بنیادی فرق یہ ہے کہ تیل عام حالات میں مایع ہیں جبکہ گھی ٹھوس ہوتا ہے۔ ماہرین طب کی رائے کے مطابق کھانا پکانے کے لیے تیل گھی کی نسبت زیادہ بہتر ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ گھی میں نسبتاً سیر شدہ ہائیڈرو کاربنز پائے جاتے ہیں جو جسم میں داخل ہو کر کولیسٹرول میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ کولیسٹرول خون کی نالیوں کو تنگ کر دیتا ہے اور اس طرح ہائی بلڈ پریشر اور دل کے امراض پیدا ہوتے ہیں۔ صابن یعنی سوپ اور ڈیٹرجنٹس یعنی غیر صابنی مصفہ ایسے نامیاتی مرکبات ہیں جنہیں جسم، کپڑے اور دیگر اشیاء کی صفائی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس عمل کے دوران صابن کی ہلکی سی تہ کپڑے کی سطح پر جم جاتی ہے جو پانی کی موجودگی میں چکنائی اور میل کو صاف کر دیتی ہے۔ صابن مختلف اقسام کے ہوتے ہیں، مثلا کپڑا دھونے کا صابن یعنی لانڈری سوپ، منہ دھونے کا صابن یعنی ٹوائلٹ سوپ، شیونگ سوپ، شیونگ کریم اور عام استعمال میں آنے والا گھریلو صابن۔ صابن بنانے کے عمل کو سیپونیفیکیشن کہتے ہیں۔ اس عمل کے دوران چربی یا تیل، عام طور سے پام آئل یا اولیو آئل کو سوڈیم ہائیڈرو آکسائڈ یا کاسٹک سوڈا یا پوٹیسیم ہائیڈرو آکسائڈ یا کاسٹک پوٹیش کے ساتھ ملایا جاتا ہے، نتیجتاً سوڈیم پامیٹیٹ یا پوٹیسیم پامیٹیٹ بنتا ہے جسے سوپ یا صابن کہتے ہیں۔ تیار شدہ صابن کو مایع جز یعنی گلیسرین سے علیحدہ کر لیا جاتا ہے۔ اس کا وزن بڑھانے کے لیے سوڈیم سلیکیٹ، سختی پیدا کرنے کے لیے سوڈیم کاربونیٹ یا سوڈیم ٹرائی فاسفیٹ اور خوشنما بنانے کے لیے رنگ اور خوشبو ملائے جاتے ہیں۔ صابن سخت پانی میں کیلشیم اور میگنیزیم کے نمکیات کی موجودگی میں میل کی شکل کا جھاگ بناتے ہیں اور زیادہ مقدار میں خرچ ہوتے ہیں۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے غیر صابنی مصفہ یعنی ڈیٹرجنٹس استعمال کیے جاتے ہیں۔ ڈیٹرجنٹس صابن کی طرح کام کرتے ہیں لیکن صابن نہیں ہوتے۔ دراصل یہ پیٹرولیم کے مرکبات یعنی الکائل نیفتھلین سلفونیٹ، سوڈیم ٹرائی پولی فاسفیٹ اور ٹیٹرا سوڈیم پائرو فاسفیٹ سے بنائے جاتے ہیں۔ غیر صابنی مصفہ سخت اور نرم دونوں اقسام کے پانی میں یکساں طور پہ مفید ہوتے ہیں۔ ناظرین، نامیاتی مرکبات کا ایک اور گروہ سیکرائڈس یا کاربوہائیڈریٹس کہلاتا ہے۔ یہ کاربن، ہائیڈروجن اور آکسیجن کے مرکبات ہیں۔ سیکرائڈس دو بڑے گروہوں میں تقسیم کیے گئے ہیں، یعنی مونو سیکرائڈس اور پولی سیکرائڈس۔ گلوکوز اور فرکٹوز مونو سیکرائڈس ہیں۔ ان کا مولیکیولی فارمولا C6H12O6 ہے۔ گلوکوز اور فرکٹوز مختلف پھلوں میں پائے جاتے ہیں۔ سکروز یا عام شکر ڈائی سیکرائڈ ہے۔ اس کا مولیکیولی فارمولا C12H22O11 ہے۔ یہ چقندر اور گنے میں بکثرت پایا جاتا ہے۔ ہمارے ملک پاکستان میں چقندر کی نسبت گنا زیادہ کاشت کیا جاتا ہے، لہٰذا شکر حاصل کرنے کے لیے گنا ہی استعمال کرتے ہیں۔ سیلولوز ایک پولی سیکرائڈ ہے۔ اس کا مولیکیولی فارمولا
C6H10O5 होल एन है। ये लकड़ी, रुई और पटसन में बकसरत पाया जाता है और टाट, कपड़ा और कागज़ बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। अज़ीज़ तलबा व तालबात, ये थी कार्बन और उसके मुरक्कबात के बारे में मालूमात। आज के प्रोग्राम में कार्बन के अहम गैर नामियाती मुरक्कबात यानी कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड गैसों के बारे में बताया गया। इसके अलावा अहम नामियाती मुरक्कबात यानी पेट्रोलियम, कुदरती गैस, सैरशुदा और गैर सैरशुदा हाइड्रोकार्बन्स, घी, साबुन और शक्कर साजी के बारे में भी मुख्तसर तौर पर बताया गया। उम्मीद है कि आज के प्रोग्राम की मदद से आपको मुफीद मालूमात हासिल हुई होंगी। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। खुदा हाफिज़।